आज तो गाइज फुल एक्शन की नीड है। तो मेरा नाम है संचित और आप दिख रही है टेक बार। आज आप लोगों को ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। मैंने ना मन में चैलेंज ले लिया था कि मैं अपने पूरे के पूरे स्टूडियो को स्मार्ट कन्वर्ट कर दूंगा। अभी हर एक चीज मैनुअल है। पहले मेरे को लगा था कि मेरे स्टूडियो में जो लाइट्स लगी हुई है ना, कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैनुअल से मैं स्मार्ट में कैसे शिफ्ट हो सकता हूं। लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और हर एक चीज जो है स्मार्ट में कन्वर्ट हो सकती है बहुत ही ईजिली। तो मैं आज आप लोग को ना पूरा स्क्रैच से दिखाने वाला हूं मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, क्या क्या चैलेंजेस थे। हर एक चीज में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप भी अपने घर को स्मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और कितना ईजी है। सब कुछ जो है एलेक्सा के थ्रू मैंने किया और सबसे बेस्ट सोल्यूशन लगता है, हिंदी में समझती है और इसी के थ्रू जो है मैं आपको छोटी से छोटी चीज दिखाने वाला हूं। और इनफैक्ट जो मेरा सेटअप है ना, इसको भी पूरा स्मार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जस्ट एक वॉइस से ऑन ऑफ होंगी सारी लाइट्स और मेरे पीछे जो लाइट लगी हुई है ना, यहां पर एक लाइट है जो कि ब्लू आप लोग को दिख रही होगी, इसका जो हम कलर भी चेंज करवा सकते हैं सिर्फ एक कमांड से। तो मेरे हिसाब से चीजें जो है बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो जाएगी। मैं सारी चीजें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। तो गाइस पता है बेसिक चैलेंज क्या है हम लोगों का, अगर मेरे को जो है नॉर्मल ऑफिस को पूरा स्मार्ट बनाना है तो। अगर मैं आप लोग को अपने ऊपर वाली लाइटें दिखाऊं, बहुत सारी लगी हुई है यहां पर और इन सबको इकट्ठे जो है स्मार्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन मैं जो थोड़ी सी रिसर्च करी और मैं आप लोग को एक यहां पर दिखाता हूं, बोर्ड है ये। अब ये जो बोर्ड है ना, यहाँ पर सारे के सारे स्मार्ट स्विच लगे हुए हैं जो कि वाईफाई ब्लूटूथ के थ्रू जो है कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अब जो है हम लोगों के पास जो है ट्रेडिशनल यहाँ पर स्विच लगे हुए हैं, अब जो इसकी जगह पे मैं ये लगवा लूंगा। ऑब्वियसली यार मैं जो हूँ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिशियन भी है तो उनसे ये लगवाएंगे, फिर इनको कनेक्ट कर देंगे वाईफाई से और शायद से सब कुछ वन गो में स्मार्ट हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही इजी है, मैं भी समझ पा रहा हूँ। जस्ट मुझे जो है जो स्मार्ट बोर्ड के अंदर वायर थी वो जो है नॉर्मल वायर से कनेक्ट करनी है और टेप कर दी है और सारी हमारी लाइटें जो है स्मार्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो काफ़ी इजी सॉल्यूशन था अभी तक तो, और ऑलमोस्ट सब कुछ सेट हो चुका है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन पे क्लिक करो यार, मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसा ग्रेट कंटेंट मैं लाता ही रहता हूँ। और अगर आप वीडियो डालने के एक घंटे के अंदर अंदर कमेंट करोगे ना, मेरी कोशिश रहती है यार कि आपको क्या मैं रिप्लाई दूं या फिर आपके कमेंट को लव करूं, तो कमेंट जरूर करना। तो गाइज अब जो है ना नेक्स्ट चैलेंज ये है कि मैं अगर आप लोग को ये वाला पार्ट दिखाऊं तो हम लोगों के यहाँ पर ना MCB लगी हुई है और ये इस AC से कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि ये AC जो है स्मार्टली मतलब परफॉर्म करे मेरे एक्शंस पे, एलेक्सा पे जैसे मैं बोलूँ तो AC ऑन ऑफ हो जाए। तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमें 16 एम्पेयर का स्मार्ट प्लग खरीदना पड़ेगा। अब इसके लिए भी मैंने क्या करा है कि मैं जो हूं अंदर की जो वायरिंग है ये सब खुलवाकर पावर का एक सॉकेट लगवा दूंगा और उसके ऊपर जो है स्मार्ट प्लग में कनेक्ट कर दूंगा और जस्ट एक पावर के स्विच से ये जो है हमारा AC स्मार्टली परफॉर्म करेगा। तो ये भी एक तरीका है, एक सिंपल तरीका है चीजों को स्मार्ट करने का। तो इसका भी मैं एक्शन आप लोग को दिखाता हूं। अब नेक्स्ट चैलेंज गाइस ये है कि मेरा ये जो पर्टिकुलर सेटअप है जहां मैं वीडियोस बनाता हूं, मेरे को इसको स्मार्ट बनाना है। तो मैंने जैसे पहले 16 एम्पेयर वाला स्मार्ट प्लग दिखाया था आप लोग को, अब जो है मेरे को नीड पड़ेगी 6 एम्पेयर वाले की। छोटे अप्लायंसेस के लिए होता है जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई या फिर छोटे मोबाइल चार्जर हो गए, उन सब के लिए हमें 6 एम्पेयर वाला खरीदना पड़ता है। तो अब मैं पता क्या चाहता हूं, बड़ी वाली लाइट और साथ में रिंग लाइट और जो पीछे की ट्यूबलाइट है और एक नीचे भी रखी हुई है ट्यूबलाइट जो कि पीछे एक अच्छा खासा इफेक्ट देती है, ये सब कुछ जो है स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसको स्मार्ट पता कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो 6 एम्पेयर वाला है ना, यहाँ पर सब कुछ बंद करता हूँ मैं, यहाँ पर हमें जो है एक एक्सटेंशन देखने को मिल जाती है। मैं सिंपली इस स्मार्ट प्लग के साथ इसको कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये लगा दूंगा और अब जो है सब कुछ जो है स्मार्टली हम मैनेज कर पाएंगे। अभी मैं इसको जो सेटअप करता हूँ एलेक्सा के साथ, फिर मैं वॉइस कमांड से ऑन ऑफ सारी लाइटें एक साथ सारी लाइटें ले कंट्रोल कर पाऊंगा। इतना इजी था और मैं आप लोग को सारा सेटअप करके भी अभी दिखाता हूँ। गाइस स्मार्ट अप्लायंसेस तो हम लोग लगा चुके हैं, मैंने आप लोग को स्मार्ट प्लग दिखा दिया, स्मार्ट बोर्ड दिखा दिया, स्मार्ट स्विच है, लाइट है। अब जो है ना हमें एक स्मार्ट असिस्टेंट भी चाहिए होता है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा था ना कि जिनसे आप कमांड के थ्रू बोलकर एलेक्सा से ऑन ऑफ करा सकते हो। तो आपको एलेक्सा भी तो खरीदना है। ये है एको डॉट 4th जनरेशन और ये सच बता रहा हूं मैं आप लोग को, बेस्ट स्मार्ट असिस्टेंट है और ये हिंदी भी समझता है। और ऑब्वियसली इसको जैसे ही आप मतलब प्लग
करोगे तो यहाँ पर लाइट जलेगी और सेटअप मोड में आ जाएगा और आपको एक ऐप डालनी पड़ेगी। वो सेटअप करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। Amazon Alexa की ऐप में लॉन्च कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे जो है डिवाइस सेटअप करना होगा। वैसे जनरली आ जाता है पॉपअप, बट स्टिल मैं आप लोग को कर दिखाता हूँ। प्लस एड डिवाइस और Amazon Echo, और यहाँ पर जो है हम लोगों को एको पे आना है। येस कर देते हैं क्योंकि प्लग इन तो है ही हमारा डिवाइस, और यहाँ पर जो है ये ऑन है ना, तो जस्ट आ जाएगा सर्चिंग फॉर डिवाइस। एको पे डॉट पे क्लिक कर देंगे, वाईफाई को सर्च करेगा। ऐसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको सेटअप कर सकते हो। आपका डिवाइस अपडेट हो रहा है, डिवाइस के तैयार होने पर मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैं जो हूँ हिंदी को पहले प्रेफरेंस दूंगा, फिर इंग्लिश को, और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट कंटिन्यू कर दूंगा। अब मैं इस एलेक्सा से हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर पाऊंगा। अब मैं ऑफिस में सेटअप कर रहा हूँ तो ऑफिस ग्रुप बनाया हुआ है मैंने पहले से, और जस्ट मैं इसको सेटअप कर चुका हूँ। सेटअप कंप्लीट हो चुका है और डन कर देंगे। अब डिवाइसेस को ऐड करते हैं जो हमने जितनी भी स्मार्ट चीजें खरीदी है। तो गाइज ये जो मैंने स्मार्ट बोर्ड आप लोग को दिखाया था ना, स्मार्टिफाई की तरफ से था। मेरे को थोड़े से चैलेंजेस आए मुझे समझना पड़ा। एक तो बॉक्स के ऊपर एक्टिवेशन कोड और सीरियल कोड लिखा हुआ था, वो ऐप के अंदर डालना है। उसके बाद यहां पर मैं आप लोग को मेन चीज दिखाता हूं, ये है S1 स्विच। इसको 5 सेकंड तक मुझे दबाए रखना पड़ा, यहां पर ब्लू लाइट जली, तब जाके ये जो है ऐप में, यहां पर मैं ऐप भी दिखाता हूं आप लोग को, ऐप के अंदर तब जाके ऐसे कनेक्ट हुआ ये। अब मैं अगर यहां पर किसी पे भी क्लिक करता हूं ना, सारी लाइटें ऑन ऑफ हो जाती है, तो ये काफी ज्यादा कूल चीज बन जाती है। अब जो हूं मैं इसको एलेक्सा के साथ पेयर कर दूंगा, एलेक्सा की ऐप में जाऊंगा मैं और यहां पर प्लस पे क्लिक करूंगा और ऐड डिवाइस, और नीचे की तरफ मैं जाकर स्विचेस में जाऊंगा, क्योंकि यहां पर स्मार्टिफाई जो मैंने आप लोग को दिखाया था वो आ जाएगा। ये रहा, और ये कहेगा कि ऐप डाउनलोड कर लो, ये मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आपको भी करनी पड़ेगी। और पेयर करना थोड़ा सा चैलेंज आता ही है ऑब्वियसली, बट हाँ यहाँ पर हम इसको कह देंगे यूज़ कर सकते हो आप। फिर जो है चीज़ें इसके एलेक्सा के साथ पेयर हो जाएगी स्मार्टिफाई वाली, तो ये आई थिंक होने वाला है। और लिखा गया है स्मार्टिफाई अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक्ड, और इसका मतलब अब एलेक्सा के थ्रू मैं सब चीज़ें मतलब कर सकता हूँ अच्छे से यूज़। तो डिस्कवर डिवाइस करके मुझे जो है नाम देना पड़ेगा इसको, ये बताना पड़ेगा कि ऑफिस का डिवाइस है। उसके बाद सारी चीज़ें सेटअप हो गई है, फिर बोलकर मैं ऑन ऑफ कोई भी लाइट करवा सकता हूँ। तो गाइस सारे स्विच जो है सेटअप हो चुके हैं एलेक्सा के अंदर, और मैं आप लोग को जो अब कमांड करके दिखाता हूँ। एलेक्सा ऑफिस स्विच ऑफ करना, और ऐसा मैं होप करता हूं यस सारे के सारे ऑफ हो गए। एलेक्सा ऑफिस स्विच ऑन करना, और है सारे ऑन हो जाएंगे, बिल्कुल ऑन हो गए। तो ये बहुत ही कूल था जो मैंने आप लोग को 16 एम्पीयर का ये दिखाया था ना स्मार्ट प्लग। इसके लिए हमें एक ऐप डालनी पड़ती है जिसका नाम है ऑक्टर, और ये मैंने ऐप डाल ली है। मैं सेटअप योर ऑक्टर डिवाइस करूंगा, नीचे जाऊंगा, हमारे ये वाला है ऑक्टर प्लस क्योंकि 16 एम्पीयर का है, और ये कह रहा है स्कैन करने के लिए, और ऐसे जो है ऐप से कनेक्ट हो जाएगा, और मैं इसको ऐसे कर लूंगा स्कैन, और ये आई थिंक सेटअप हो चुका है। मैं इसको येस कर देता हूं और सब कुछ सेटअप हो जाएगा। तो ऑक्टर की ऐप में जो है स्मार्ट प्लग सेटअप हो चुका है। अब हम लोग जो है एलेक्सा से इसको कनेक्ट कर देंगे। दोबारा प्लस बटन पे जाएंगे, ऐड डिवाइस, और यहाँ पर जो है इस बार मैं स्मार्ट प्लग में जाऊँगा। बीच में जो है हमें ऑक्टर मिल जाएगा, ये रहा ऑक्टर के, यहाँ पर गए और आई होप इसने बोला हाँ नेक्स्ट हम कर देंगे। हमने डाउनलोड कर रखी है ऐप, इनेबल टू यूज़ कर देंगे, और अब जो है हम इसको एग्री कर देंगे, और आई थिंक अब एलेक्सा के साथ एलेक्सा की ऐप के अंदर जो है ऑक्टर वाला स्मार्ट प्लग आ जाएगा। देखो अभी दोबारा से लॉन्च हो गया और हो चुका गाइस, ये मस्त चीज़ लगी मेरे को। और अब हम जो है इसको नाम दे सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं। तो गाइस इस वाले स्मार्ट प्लग का नाम है मैंने स्टूडियो BAC रख दिया है। अब एलेक्सा के साथ ट्राई करते हैं, बोलते हैं इसको बंद करने के लिए। तो एलेक्सा स्टूडियो BAC को बंद करना। ओ एग्जैक्टली बंद हो गया है, तो बहुत ही कूल लगा। बाकी ट्राई करते हैं गाइस। अब मैं आप लोग को पूरी पावर दिखाता हूँ स्मार्ट होम की एलेक्सा के थ्रू। मैंने हर चीज सेटअप कर लिया जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, बिल्कुल वही सेटअप प्रोसेस है। जस्ट अब मुझे बोलना है एलेक्सा ऑफिस ऑन करना, पूरी लाइट्स ऑन हो गई ऑफिस की, और अब मैं बोलूंगा एलेक्सा कैमरा लाइट्स ऑन करना, और साथ में एक लास्ट कमांड एलेक्सा ट्यूबलाइट का कलर जो है रेड करना, और मेरा बैकग्राउंड की जो लाइट है हल्की हल्की आपको जो है रेड दिखने लगेगी क्योंकि वो सेटअप का मतलब कुछ बनाया है मैंने ऐसे। खैर आप लोग देख ही सकते हो यार सब कुछ जो है कितना इजी था। हाँ एक बार टाइम कंज्यूमिंग आपको लगेगा क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो तो
चीजें जो है यार बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। बाकी जो हम अलग अलग रूटीन भी सेटअप कर सकते हैं जहां पर हम एक फ्रेज रख देंगे जैसे कि गुड मॉर्निंग एलेक्सा, और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है परफॉर्म करेगी इकट्ठे, चाहे वो स्मार्ट प्लग हो, लाइट्स हो, वो ऑटोमेटिकली सब टर्न ऑन हो जाएगा। एलेक्सा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है इन सब चीजों को लेके। तो ये था मेरा तरीका आप लोग को पूरा का पूरा दिखाने में कि एग्जैक्टली मैं नॉर्मल घर को स्मार्ट होम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर ऑफिस को कैसे स्मार्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, और अगर हुई है तो लाइक गाइस जरूर कर देना वीडियो को, काफी ज्यादा मेहनत लगी है, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बुक आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।